हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो चलो फटाफट करते हैं। तो ये रही आपकी एनसीईआरटी बुक और मैं कराने वाली हूँ एग्जांपल्स, ठीक है? तो एग्जांपल्स करते हैं फटाफट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने बुक खोल ली है और सबसे पहला मेरे को एग्जाम्पल नंबर वन मिल गया है। इन्होंने कुछ सम टाइप का दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये आप देख सकते हैं, तो मैं सम को लिख देती हूँ ताकि आपको भी दिख जाए। तो चलो, तो ये वाले समय में क्या करना है, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया, आपको दिख रहा होगा। फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस 1 माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो इस सबको फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले 3/7 यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि, इसके बाद यहाँ पे देखो प्लस माइनस 6/11, ठीक है? तो हम लोगों को ये सम दिया है, तो मैं इसको फटाफट माइनस 6/11, फिर प्लस माइनस माइनस 8/21 प्लस 5/22, ये हो गया सम। देखा, मैंने अरेंज कर दिया है सब अच्छी तरह। ऐसे कर लो, ऐसे करके क्या होगा ना, आपको यहाँ पे प्लस साइन ही मिलेगा, ठीक है? तो आप देखो, इस समय जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, राइट? तो हमें सबसे पहले 7, 11 और 21 और 22 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी ऐसा सॉल्व होगा। तो इनका एलसीएम कितना है, इनका एलसीएम मेरे को मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप निकालो पूरा ऐसे अच्छी तरह करके। तो यह मैंने ऐसे वाले सम बहुत करना, तो मेरे को इसका एलसीएम याद है, इसका एलसीएम है 462, ठीक है? क्या इसका एलसीएम 462 है, ठीक है? इन सबका एलसीएम, अब इन सबका एलसीएम 462 है, लेकिन हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि किसकी टेबल में 462 कब आता है, कितने जामे आते हैं, ठीक है? तो 462 सबसे पहले 7 की टेबल में देख लेते हैं। तो 7 की टेबल में 462 कितने जामे आते हैं, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 7 462 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने 6 लिया 42 और यहाँ ये डिवाइड हो गया, माइनस हो गया, ठीक है? और 66 मिल गया, ठीक है भैया? इसकी टेबल में तो 66 जामे आता है। फिर मैंने देख लिया कि भैया 11 की टेबल में कितने जामे आता है, ठीक है? तो 11 की टेबल के लिए भी मैंने सेम चीज़ करी, ठीक है भाई? 11 की टेबल का भी पता चल गया 42 में आता है। 21 टेबल में देखते हैं, 21 टू जा कितना होता है, 2 2 2 2 और 2 2 4, तो 42। तो मैंने 2 जा लिया, 42 यहाँ पे आ गया, तो 6 - 2 = 4 और यहाँ 42 हो गया, तो ये 22, ठीक है भैया? 21 का भी पता चल गया। अब 22 का देखते हैं, ठीक है? 22 का देखते हैं, तो 22 में 2 2 4 2 2 4, तो 44, ठीक है भाई? 44, तो यहाँ पे ये आ गया 22, तो 1, ठीक है भाई? हमें पता चल गया कि इसमें 21 जामे आते हैं, ठीक है? तो अब मैंने तो पर्टिकुलरली मैं सबका निकाल लिया, 7 में 6 जामे, 42 में और 22 में और 21, ठीक है? तो अब हम फटाफट करते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो भैया, जब 7 जामे 66 में आ रहे, तो 3 को भी हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को जब हम 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर? 66 3 3 3 3 6 18 1 ऊपर कह रही 3 6 18 18 + 1 90 198, ठीक है? ये आया आपका आंसर। अब देखो, हम 198 को यहाँ पे लिख देते हैं, 198। अब देखो, हमें पता है कि 11 में 42 जामे आते हैं, तो 6 - 6 को भी हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 टू 12, मैंने ऊपर कह रही 6 होल्स ऑफ 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है? 252, ठीक है? और इसको मैंने कर दिया माइनस साइन। फिर 8 जामे हमें पता चल रहा है, सॉरी 21 जामे मेरे को पता चल रहा है 22 में आता है, तो 8 को ही 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 टू 16, मैंने ऊपर कह रही 8 टू 16, 16 प्लस 1 17, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 17 + 6 + 176। उसके बाद 22 जामे मेरे को पता है कि भाई 21 में से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5 5 + 5 5 2 10, तो मेरे को मिल गया 105, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 105, ठीक है? हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखो, जब इतना आ गया तो अब देखो जो है ना, एकदम अच्छी तरह अरेंज कर लो। जैसे 198 प्लस 105 माइनस 252 माइनस 176 और बाय 62, ये हो गया, ठीक है? ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इससे आपको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर माइनस माइनस वाला भी प्लस में ही होगा। तो इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, प्लस 105, तो 8 प्लस 5 हमारा होता है 14, सॉरी 13, वन ऊपर कैरी 10 हो गया, 10 का 0 इधर, 1 ऊपर कैरी 3 हो गया, ठीक है? तो हम आ गया 303, तो 303 इधर लिख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लो, 252 प्लस इतना, तो हमें कितना आंसर मिला, 2 प्लस 6 होता है हमारा 8 और 5 प्लस 7 हमारा कितना होता है 12, उसके बाद 1 2 3 + 1 4, तो 428 माइनस 428। अब भाई माइनस कर देते हैं, तो 428 प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस करा, ये मैंने 8 नहीं आया, ये 3 है, ठीक है? 3, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर रही हूँ 125, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे मिल गया माइनस 125 और बाय 462, लिखना मत भूलो, 462 आएगा ही आएगा, ठीक है? तो इतना सबको समझ में आ गया, 462 के नीचे है। अब देखो भाई, ये हमारा आंसर आ गया है आराम से। अब इसको आप लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो भाई, ये तो हो सकता है, लेकिन क्या ये होगा 5 से कन्वर्ट लोएस्ट टर्म में? सोचो, ये हमारा क्या 3 से कन्वर्ट होगा? 1 + 2 कितना होता है,
थ्री प्लस फाइव एट, तो भाई एट तो थ्री का मल्टीपल नहीं है तो भाई नहीं होगा। ये थ्री से होगा, फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस टू, हाँ ये थ्री से होगा, लेकिन ये नहीं होगा, दोनों होने चाहिए ना, तभी तो हम दोनों को लोएस्ट नंबर कन्वर्ट करेंगे। टू से भी नहीं हो सकता क्योंकि एक इवन है एक ऑड है, उसके बाद फिर ये फोर से भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई टू से नहीं हो रहा, फोर से क्या होगा। उसके बाद फिर ये फाइव से भी नहीं हो सकता क्योंकि एक फाइव में आ रहा है पर दूसरा नहीं आ रहा है। उसके बाद सिक्स से भी नहीं हो सकता क्योंकि जो नंबर थ्री और टू से नहीं होते वो सिक्स से तो होते ही नहीं है। उसके बाद सेवन से भी ये नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो इसका जो है टू है और फाइव है, ये वाले मल्टीपल जहाँ तक सेवन में नहीं आते। उसके बाद फिर नाइन से, एट से भी नहीं हो सकता है, और फिर नाइन से भी नहीं हो सकता है क्योंकि नाइन में हमें ऐड करना होता है और ऐड में नाइन की मल्टीपल में नहीं आ रहा है। टेन से भी नहीं हो सकता, इलेवन से भी नहीं हो सकता, ट्वेल्व से भी नहीं हो सकता। उसके बाद धीरे 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 जाके ये नंबर नहीं हो सकता क्योंकि, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एग्जाम्पल, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, माइनस टू 125/462। इसका इन लोगों ने एक और मेथड दे रखा है यहाँ पे, सेम है दोनों मेथड, जिसमें तुम्हें ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। ये ग्रुपिंग से ज़्यादा सिंपल मेथड यही वाला है, सबका एक सा एलसीएम निकाल लो। अब हमारा आ जाता है एग्जांपल नंबर टू, तो मैं फटाफट इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। तो ये देखो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो नोट कर लिया है। इसमें क्या है, फाइंड माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 14/9। तो अभी देखो इसमें हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रुप कर लेती हूँ नंबर्स को। ग्रुप करने में क्या होता है आपका आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं फटाफट ग्रुपिंग करती हूँ। मैंने सबसे पहले ले लिया ये दोनों को, तो मैंने माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 इनका ग्रुप बना दिया, और फिर माइनस 15/6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14/9 इसका ग्रुप बना दिया, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस 4 को 3 से, तो मेरे को मिल गया माइनस 12 और यहाँ पे मिल गया 35, और फिर मल्टीप्लाई बाय 15/14 का कितना होता है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे कर लिया करो, रिस्क मत लिया करो, ठीक है। 14 5 70 70 का 7 ऊपर कह रही, 14 1 14 प्लस 7 कितना होता है, 14 7 प्लस 7 कितना होता है 21, ठीक है। तो 21 हमारा यहाँ पे आ गया, 210, तो 210 बेसिकली हमारा माइनस में लिखा जाएगा 210। उसके बाद 16 9 का कितना होता है बताओ, 144, तो 144 भी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 0 0 12 1 12 का हमारा 2 इधर रहेगा और 1 ऊपर कैरी। तो अब 12 2 कितना होता है, 12 2 हमारा होता है 24, 24 प्लस 1 25 आ गया 2520, तो 2520 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस इकम्स प्लस। उसके बाद 144 मल्टीप्लाई बाय 35, इसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपकी टेबल का हिस्सा नहीं है, अगर टेबल का हिस्सा होता तो हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 कितना होता है हमारा, 5 4 होता है 20 20 का 2 पर कैरी, 5 2 4 20 20 प्लस 2 22 का 2 पर कैरी। उसके बाद 5 1 5 प्लस 2 6 7, उसके बाद 3 4 12 12 का 1 ऊपर कैरी, 3 4 12 12 प्लस 1 13 का 1 ऊपर कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4। तो यहाँ पे अभी अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो ये आ गया हमारा 5, तो 5040, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं 0 से 0 का यहाँ काट भी देता हूँ, आपका आंसर कितना आएगा, 2 5 2 5 2 by 5 0 4, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है। तो अब देखो ये भाई नंबर ऐसे तो रहेगा नहीं, ये और भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँ, सबसे सिंपल नंबर होता है 2, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी, ये 5 है ठीक है, इसको 3 मत समझना, 5 है ये, तो 252 इसको जब 2 से करा, ठीक है 126 आ गया, और जब इसको करा, एक तो देख रहे हैं कितना रफ हो गया है, 504 2 से करा तो 252। तो आप 252 को तो मैं डायरेक्टली काट सकती हूँ 226, और इसको काटूंगी तो कितना मिलेगा, एक हर जगह मैंने रफ कॉलम बना दिए हैं, डोंट माइंड, मैंने बहुत ज़्यादा रफ कर दिया है बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, इधर 6 मैंने यहाँ नीचे लिया, 3 हो गया 63, तो यहाँ पर आ गया 63 by 12, और ये अब मैं दूसरे पेज में आ जाती हूँ क्लियर के लिए। तो यहाँ मैं दूसरे पेज में आ गई हूँ, तो ये हो गया 63 by 26। अब तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है हमारा ऑप्शन क्या, 3। तो मैंने 3 से करा तो मेरे को मिल गया 21, और इसको जब मैं काट रही हूँ 3 से तो मेरे को मिल रहा है 42। अब फर्दर डिवाइड और हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 42 को काटा तो मेरे को मिला 6, 21 को काटा तो 3 मिला, तो 3/6 हमारा आंसर आ गया। क्या अभी भी फर्दर डिवाइड हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, 2 आ गया और ये आ गया 1, तो 1/2 आपका इसका आंसर है। अब मैं फटाफट आपके एग्जाम्पल में चेक करती हूँ, तो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आंसर क्या है, 1/2 ही है, तो इसका मतलब हमारा ये भी क्वेश्चन सही था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, फटाफट इन्हें भी करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एडिंग राइट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमें लिखना है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स
आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी डाइटिंग बिल्कुल ज्यादा रीडेबल हो। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला नंबर, क्योंकि ये डायरी है तो ये मोड़ रही है तो अच्छे से हो नहीं पा रहा है बैलेंस, तो -7/19। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +7/19। फिर हमारे पास 21/102, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 112/21। ओके, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है, अच्छा एडिट इनवर्स होता क्या? एडिट इनवर्स वो चीज़ होती है जिसको ऐड करके आपको जीरो ही मिलता है। इसको ऐड करके मेरे को जीरो ही मिलेगा, ठीक है, और इसको ऐड करके मेरे को जीरो मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो योगे एडिट इनवर्स, अब देखो वेरीफाई डेट माइनस एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कि अगर आप कोई भी आपको एक्स नंबर दिया है उसमें यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपको वो सेम नंबर वापस मिल जाएगा। तो पहले में हमें दिया है एक्स इजिकल टू 13/17, तो अप्लाई करते हैं -13/17। तो देखो इसमें क्या मिला, माइनस इक्वल्स प्लस, तो +13/17 है ना, हो गया वेरीफाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x = -21/31, तो इसमें क्या हो गया, माइनस, तो इसका लिया मैंने जो इन्होंने इक्वेशन दिया उसका माइनस ले लिया। अब ये भी माइनस है तो मैंने एक और माइनस लिया और यहाँ पे लिखा, तो अब देखो 3 माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो -21/31 हो गया। तो ये बहुत सिंपल था कि नहीं था, और एक बात समझ में आ रही है, सेम नंबर हमें वापस मिल गया है ना। तो ये हमने कर लिया इसका। अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, मैं दूसरे पेज में जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी ये जो है दिख नहीं रहा होगा आपको अच्छी तरह, तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ दूसरे पेज में, अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल को, कौन सा है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, तो आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 5 में। तो एग्जांपल नंबर 5 है इधर ये 2/5 वाला, आई थिंक ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब यार एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, कितने एग्जाम्पल हैं टोटल डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। तो इसमें है टोटल आपके 9 एग्जाम्पल्स, तो 9 एग्जाम्पल्स फटाफट हम आज कर लेंगे रेशनल नंबर्स के। तो सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो आपको इधर क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 5 में, सी डियर स्टूडेंट्स आपको दिया है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यही दिया है। आप इसे प्रॉपर्टीज यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें एक कॉमन नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन नंबर है -3/7, मैंने यहाँ पे -3/7 ही लिया है क्योंकि दोनों में -3/7 ही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 और फिर दूसरे नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा था वो था 3/5, हाँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3/5, ठीक है, +3/5, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे मेरे को -1/14 मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पे -3/7 5/5 ही है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2 और 3 5/5 हो गया, तो 5/5 1 ही होता है मल्टीप्लाई, और -1/14। तो अब इसमें क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई करा तो मेरे को आंसर मिला -15/35 -1/4, ठीक है। तो मेरे को ये आंसर यहाँ पे मिल गया। अब जब मेरे को ये आंसर मिला तो ऑब्वियसली हमें को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो जब मैं 4 और 35 का एलसीएम निकाल ली हूँ यहाँ पे, सॉरी और 35 और यहाँ पे ये कर लिया, अब यहाँ पे 7/1, ठीक है। तो 2 2 4 4 5 20 27 कितना होता है 140, तो 140 और इसके ऊपर क्या क्या जाएंगे 35 में हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें 140 मिलता है, कर लेते हैं फटाफट। तो 35 की टेबल में देखते हैं अगर आता है तो 35 4 20 4 3 12 12 + 2, ओके तो 4 में आ रहा है, तो ठीक है भाई मैं अभी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 15 को, तो मेरे को मिलेगा -60, और 4 में मैं 140 के लाने जाऊं तो मैं ज़्यादा डिवाइड करके देखती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा ये आ गया हमारा आंसर 35, तो यहाँ पे हो गया -35, तो -+ होता है 35 + 60, तो हमारा आ जाएगा 95 वो भी होगा -95 और 140, अब इसमें 5 और 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा जैसे कि हमें दिख रहा है। तो ये तो है भाई 19, और नीचे वाला जो है हमारा कितना हो जाएगा 140, तो इसको जब मैं 2 से करूँगी, 5 से करूँगी, तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे मैंने देख लिया 2 10 होता है, 3 15 होता है, तो 2 10 40 हो गया, तो यहाँ पे 19/28 आ गया। 19/28 क्या फर्दर डिवाइड हो सकता है? 19 तो आई थिंक प्राइम नंबर है और ये नहीं हो सकता फर्दर डिवाइड, लेकिन ये हमारा आंसर तो सही नहीं है भाई, एक और बार करके देखते हैं, क्या पता कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे हो गई हो, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती रहती है, राइट। तो नेवर माइंड डियर स्टूडेंट, जब भी आपका कोई आंसर गलत होगा तो आपको होप नहीं आनी चाहिए, आप उसे फिर से करने की कोशिश करिए, वो कभी ना कभी आपसे हो जाएगा। और पता है यहाँ पे मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी, कि मैंने बताऊँ यहाँ डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, ये 14 था, वरना मेरे पास अगर 4 होता ना तो आंसर सही है, लेकिन ये 14 डिनोमिनेटर है इसलिए आंसर रॉन्ग है, ठीक है। 14 डिनोमिनेटर के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया 14 और 35 का, देख लो 2 से 7 से कट गया और 35 भाई नहीं कटेगा, उसके बाद 7 में 1 से कट गया, यहाँ पे 5 आ गया और ये हो गया,
तो 2 7 का कितना होता है 14, 14 5 का 6, 14 5 का 70, तो 70 एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है 70 एलसीएम आ गए, तो अब 70 35 की टेबल में 2 का में आता है तो माइनस 30, और 14 की टेबल में 75 का में आता है तो माइनस 5। ठीक है तो 30 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 35 बाय 70, से फर्दर कट करूंगी तो मेरे को आंसर मिलेगा माइनस 1/2। अब आंसर सही हो गया, बस एक हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, हमने 14 को 4 में कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए रॉन्ग हुआ। ठीक है अब ये आंसर हमारा सही है, मैंने चेक कर लिया है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1/2 है। ठीक है अगर कैमरा में क्लियर नहीं दिख रहा हो तो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको अच्छा दिखा सकें, आप हमें और सपोर्ट करेंगे तो क्या पता फर्दर कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और हमारा जो कैमरा का सेटअप है वो और अच्छा हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, यहाँ पे जो है आपका 6 क्वेश्चन कह रहा है राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 0, हमें 3 रेशनल नंबर ढूंढना है -2 और 0 के बीच। ठीक है तो मेरे को फिर से वही क्वालिटी लानी पड़ेगी। ठीक है तो ये आपको थोड़ी देर देखना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना है 3 रेशनल नंबर लाने हैं बिटवीन -2 and 0, -2 and 0 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लाने हैं। ठीक है तो कैसे आएगा, सबसे पहले देखो -2 को लिखो लो ऐसे और 0 को भी 0/1 लिख लिया। अब इनके डिनोमिनेटर्स तो भैया सेम है, चलो ठीक हो गया। अब -2/1 में हमें 4 इसके जो है फाइंड आउट करने, क्या रेशनल नंबर बिटवीन, तो इसलिए मैं क्या करूँगी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, क्योंकि 3 हमें 8 ढूंढना है। ठीक है ये बहुत अच्छी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याली ट्रिक अपनाया करो, जल्दी हो जाते हैं सम्स। ठीक है उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 से कर दिया तो 0/4 आ गया, तो -8/4 और 0/4 इनके बिटवीन कौन कौन से रेशनल नंबर्स हैं, -8 7/4, -6/4, -5/4, -4/4, और मैंने बहुत सारे ढूंढ दिया है ना, -3/4, -2/4, -1/4, मेरे पास इतने सारे रेशनल नंबर्स आ गए। अगर आपको इसमें ढूंढना है तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियसली 2 से भी कर सकते हो। ठीक है तो मैंने बहुत सारे ढूंढ दिए, इनमें से कोई भी 3 चुन लो है ना और वो लिख लो। ठीक है अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो यारे पेज में मैंने कर दिया क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा होगा डियर स्टूडेंट्स आपको, तो मैं फिर से आ गई अच्छे वाले पेज में, तो आप खुश हो जाओ क्योंकि इसमें आपको दिखने वाला है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे, राइट एनी 10 रेशनल नंबर, फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर बिटवीन -5/6 and 5/8, तो इनके बीच में अगर फाइंड आउट करना है सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है 2 से करते हैं। ठीक है 4 2 1 1, ठीक है 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 समय 24, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, तो 5 को भी 4 से करेंगे -20, और इसमें हम लोग 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा +15, तो -20/24 और +15/24। ठीक है यहाँ तक मिल गया हमें। अब इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, तो इनके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको ऐसे ही रेशनल नंबर मिल जा रहे हैं 10 तो सही है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं लग रहा है कि भाई हमें मिल रहे हैं, ओनली 5 मिल रहे हैं हमें, 4 मिल रहा है सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं रैंडम नंबर चूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को 5 से, और इसमें भी मैंने दोनों को जो है 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है तो 15 5 का कितना होता है 75, और 24 5 का कितना होता है कर लो भाई नहीं आ रहा, तो 4 5 20, 20 का 2 पर कैरी, 5 2 10, 10 + 2 12, ठीक है 120, तो 120 हो गया, और इधर भी सेम 120, और -25 का होता है 100, -100 -100 और 75/120 बहुत ज़्यादा अंतर है। वैसे हमें 10 रेशनल नंबर इसमें मिल गया था, मैंने तो देखने में प्रॉब्लम कर दी, मैंने इसको +20 समझ दिया, इसमें तो बहुत ही सारे मिल रहे हैं, लेकिन इससे मैं अगर निकाल दूँ तो मिल जाएगा -19/24, फिर मैं 13/24 लिख सकती हूँ, 14/24 लिख सकती हूँ, फिर मेरा मन कर रहा है भाई माइनस में जाती हूँ 24, -17/24, फिर मन कर रहा है पॉजिटिव में जाऊँ तो 12/24 हो गया, उसके बाद 11/24 हो गया, फिर मन कर रहा है नेगेटिव में जाऊँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव में जा रही हूँ मैं, 24 -15/24, और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट पॉजिटिव वाला ही लिख देती हूँ, ठीक है 10/24 आ गया भाई, इसमें ही आ रहे हैं सब, ये करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक्चुअली थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, ये प्लस है माइनस मैंने देखा नहीं ढंग से। ठीक है कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2, 1/2 और फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर यानी कि एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कोई 3 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो वही देख लेते हैं, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, -1/4 और 1/2 के बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है समझ में आ गई बात, इसमें एलसीएम वाला फॉर्मूला ही अपनाया करो, बहुत सिंपल होता है,
ठीक है, जैसा कि मैं तुम सबको बता ही रही हूँ कब से। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 ही एलसीएम है इनका, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा और यहाँ पे 2/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर दिख रहा है कोई एक? दिख रहा है कोई एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में? भाई कोई नजर नहीं आ रहा मेरे को रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो भाई मैंने फर्दर इनको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, 2 8 और 2 4 को भी कर देती हूँ, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में दिख रहा है कोई रेशनल नंबर? हाँ भाई, क्यों नहीं दिख रहा है, 3/8 दिख रहा है हमें। तो भाई 3/8 है रेशनल नंबर किन दोनों के बीच? इन दोनों के बीच। वेरी सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर एलसीएम फाइंड आउट करके जब डिनोमिनेटर सेम है तब भी आपको रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको उसे फर्दर डिवाइड करना है सेम नंबर से, और फिर उन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -1/4 और 1/2, इनके बीच 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं भाई, हमें आता है रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, तो 2/4 सिमिलर कर दिया क्योंकि वाले क्वेश्चन में मेरे को पता चल गया था इन दोनों का एलसीएम। उसके बाद मैंने इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने में मेरे को मिल रहा है ओके 4 4, यहाँ पे मेरे को मिल गया 8/16। इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर दिख रहे हैं, हाँ 5/16, 6/16 और 7/16। अब मेरा एग्जैक्ट 3 कैसा है? एग्जैक्ट 3 इसलिए आए क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा। आपको जितने रेशनल नंबर चाहिए होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करा, 1 रेशनल चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 4, 5 चाहिए तो 6, ऐसा करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो मेरा यहाँ पे इतने रेशनल नंबर मैंने फाइंड आउट कर दिए हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है फिर, तो ये हमारे हो गए पूरे एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स के, ये स्टूडेंट्स। तो आज हम रेशनल नंबर की एक्सरसाइज करने वाले थे, तो अब आपका काम क्या है? आपका काम बस एक ही है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इंटरेक्टिव बनने के लिए कमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो को देखने के बाद करनी है, या पहले करनी है तो पहले ही कर लो। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।